हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस गेमर। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं विंटरलैंड्स एके वर्सेस ड्रैगन एके, कौन सी गन अच्छी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। एंड विंटरलैंड एके क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सबको यार फ्री में मिली थी विंटरलैंड एके, कुछ मिशंस कंप्लीट करने थे। तो अगर आपके पास ड्रैगन एके नहीं है और आप विंटरलैंड एके है आपके पास, या फिर कोई भी आपके पास गन इसकी नहीं है एके की, तो इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एके चलाना सीख जाओगे। एंड आज हम कंपेयर करने वाले हैं ड्रैगन एके वर्सेस विंटरलैंड एके। तो अगर आपके पास विंटरलैंड एके तो है लेकिन ड्रैगन एके नहीं है, तो कैसे आप मतलब ड्रैगन एके जैसी गन कर सकते हो, या फिर ड्रैगन एके अच्छी है या विंटरलैंड अच्छी है, ठीक है। तो कुछ कंपेरिजन करेंगी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो कि एक फ्री फायर गेमर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकती, वहाँ पर 1125 फॉलोवर हो गए हैं, मतलब यार 1200 करवा दो जल्दी, फटाफट यार फॉलो करो जाकर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट है हमारा डैमेज। सो ऑलमोस्ट बात करें तो डैमेज दोनों में ही सेम है। एंड बात करें बिना मतलब कोई अटैचमेंट के, तो बिना अटैचमेंट की बात करें तो गाइस विंटरलैंड्स एके एंड ड्रैगन एके में ड्रैगन एके गाइस इतना रिकॉल करेगी मतलब पूछो ही मत, बिकॉज इसमें गाइस एक्यूरेसी लो है। इसलिए गाइस बिना अटैचमेंट के अगर आपके पास लो अटैचमेंट है तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि आप ड्रैगन एके मतलब यूज़ मत करो, कोई दूसरी गन यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके पास अच्छे अटैचमेंट है मतलब बहुत ही अच्छे अटैचमेंट है एंड आपके पास कोई अगर विंटरलैंड एके है तो गाइस आप उसमें यूज़ करोगे तो उसमें हेड लगने के चांसेस बहुत ही कम है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा मेरे पास फुल्ली अटैचमेंट थी, एंड यहाँ पर देखो ड्रैगन एके के पास अटैचमेंट नहीं है, तो देखो बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, तो देखो कितना गोली मतलब मिस हो रहा है। 5-6 गोली में से 1 गोली हेड लग रहा है, वो भी ऊंचाई पर होते हुए। अब बात करते हैं गाइज अगर एनिमी साइड में भाग रहा है, लेफ्ट या राइट भाग रहा है, तो कौन सी गन अच्छी रहेगी। तो लेफ्ट या राइट एनिमी अगर भाग रहा है तो आपके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि विंटरलैंड एके, ठीक है। बिकॉज गाइज ड्रैगन एके की एक्यूरेसी वैसे भी माइनस है एंड ये गन बहुत ही मतलब एक्यूरेसी माइनस होने के कारण बुलेट को फायर मतलब दूर दूर करती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास विंटरलैंड एके है एंड आप हेडशॉट पर प्रेफर नहीं करते हो एंड आपको डैमेज से मतलब है, ठीक है, मतलब डैमेज देना बंदे को एंड किल करना, ठीक है, बॉडी डैमेज से किल करना, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप विंटरलैंड एके रख सकते हो। बहुत ही अच्छी गन है वो, मैं बाद में बताऊँगा कि अच्छी गन कौन सी है, ठीक है। तो विंटरलैंड एके में बिकॉज गाइस मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण अगर बंदा लेफ्ट या राइट जा रहा है तो उसको आसानी से बॉडी डैमेज तो लगना है ही, ठीक है। लेकिन ड्रैगन एके में ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही कम बुलेट लगती है अगर लेफ्ट राइट एनिमी जा रहा है। लेकिन अगर आप बॉडी जिस तरफ एनिमी मूव कर रहा है उस तरफ अगर आप ड्रैग करते हो तो ड्रैगन एके में चांसेज हो जाते हैं हेडशॉट ज़्यादा लगने के, लेकिन विंटरलैंड एके की एक्यूरेसी होने के कारण हेडशॉट बहुत ही कम लगते हैं। अब गाइस बात करते हैं हेडशॉट की, तो मैंने आपको बता दिया कि विंटरलैंड में हेडशॉट बहुत ही कम लगते हैं मुकाबले ड्रैगन एके। ड्रैगन एके में हेडशॉट बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि एक्यूरेसी माइनस होती है एंड जैसे ही मतलब बॉडी पर आप एम करोगे फायर करोगे तो एक्यूरेसी माइनस होने में और थोड़ा सा ड्रैग आप ऊपर करोगे तो ऑटोमेटिकली एक बुलेट ना बुलेट तो मतलब रेट ऑफ फायर डबल होने के कारण हेड पर लगी जाएगी। एंड दूसरी बात गाइस इसमें रेट ऑफ फायर थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो रेट ऑफ फायर मतलब ड्रैगन एके में रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाइस जैसे बात करें मतलब विंटरलैंड्स एके की, तो इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ फायर कम है, इसकी वजह से आप यहाँ पर गेम प्ले भी देख सकते हो ड्रैगन एके और विंटरलैंड एके का। एंड आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मतलब जो भी गेम खेलते हो आप, जैसे कि ये ट्रेनिंग मोड हो गया इसमें खेलना एंड आपको कौन सी अच्छी लगती है आप भी अपने हिसाब से रखना। एंड अगर आपके पास एके ड्रैगन एके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब बहुत ही अच्छी है विंटरलैंड एके, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब इसका भी डैमेज डबल है और इसका भी डैमेज मतलब ड्रैगन एके का डैमेज डबल है और विंटरलैंड्स एके का भी डैमेज डबल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस विंटरलैंड एके की एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण हेडशॉट बहुत ही कम लगती है, ठीक है। एंड दूसरी बात की अगर आप ऑन स्कोप हेडशॉट मारते हो तो ऑन स्कोप हेडशॉट ड्रैगन एके से बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि एक्यूरेसी माइनस है एंड जो भी जैसे कि दूर एनिमी है बहुत मतलब ज़्यादा दूर है तो आप ड्रैग करोगे कम साइज आपका लग जाएगा क्योंकि बुलेट बहुत ही दूर दूर जाती है, फायर होती है, ठीक। तो आज का वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास ड्रैगन एके है तो ज़रूर आप यूज़ करो, विंटरलैंड एके को छोड़ दो,
एंड ऑलमोस्ट गाइस विंटर लैंड एक अगर आप पास हैं और ड्रैगन एक नहीं है तो यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड जो भी गन यूज़ करते हो बस कंफर्म वही यूज़ करो, ऐसा नहीं कि एक दिन ये की एक दिन ये की, इससे आपका माइंड सेट नहीं बैठता एंड सही खेल नहीं पाते हो। तो वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।